चंद्रमा और बुध में आपस में रिश्तेदारी है जानते हैं आप वो क्या रिश्तेदारी है पिता पुत्र की बुध को चंद्र तनय कहा गया है जैसे सूर्य पुत्र है ना शनि ऐसे ही चंद्र पुत्र है बुध कैसे हुए बड़ा रोचक किस्सा है किस्से से पहले बता देता हूं कि बुद्ध ज्योतिष में हैं क्या एक ही बढ़िया ग्रह हैं नौ में से व्यवसाय व्यवसायिक बुद्धि व्यवसाय का निर्णय धनी बनेगा या नहीं बुद्धि की चपलता इंटेलिजेंट क्वेश्चन शरीर में स्किन त्वचा के रोग ये सब बुद्ध की देन है स्त्री वर्ग भी बुद्ध माना गया स्त्री ग्रह माना गया है और राजकुमार माना गया यानी युवा जो लोग हैं उनका प्रतिनिधित्व बुद्ध करते हैं अब किससे पर आता हूं एक बार चंद्रमा के मन में क्या आई अपने गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा का अपहरण कर लिया ले गए अपने साथ संकट खड़ा हो गया जगत में रोष व्याप्त हो गया देवता क्रोध में आग बबूला ये क्या किया ये तो गुरुद्रोह है जो देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति उनके साथ ऐसा सब चंद्रमा के खिलाफ हो गए सब मिल के गए और थोड़े दिनों बाद तारा को वापस ले आए गुरु तो गुरु हैं महान हैं दैवीय शक्तियां प्राप्त हैं उनको नवग्रहों में शामिल हैं श्राप और वरदान देने की क्षमता उनमें है देवताओं के आग्रह पर उन्होंने पत्नी तारा को स्वीकार कर लिया वरदान दिया कि वो पहले जैसे ही हो जाएंगे और इस संतान का निर्णय क्या होगा इसको लेके बड़ा द्वंद्व था मन में अब आप जानते हैं विषय ऐसा है इसमें लोग मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं तो इसका निर्णय कौन करे ना तो चंद्रमा करेंगे ना बृहस्पति करेंगे ना देवता करेंगे है ना मित्रों इंडियन पेनल कोड में एक शब्द आता है कन्फेशन स्वीकारोक्ति कन्फेशन इज द बेस्ट एविडेंस व्हाई नॉट दिस कन्फेशन फ्रॉम द तारा साइड द वाइफ ऑफ बृहस्पति सब सहमत हो गए वो जो कहेंगे वैसे करेंगे पूछा गया कि यह किसका पुत्र है तारा ने कहा चंद्रमा का पत्नी बृहस्पति के पुत्र बता रही हैं चंद्रमा का चंद्रमा ने भी दावा पेश कर दिया यद्यपि पुत्र जन्म के बाद बृहस्पति ने उनको क्षमा कर दिया वो पुनः अक्षत यौना हो गए उनको वरदान मिला देवताओं से गुरु थे क्रोध का शमन कर लिया परंतु तो चंद्रमा ने बुद्ध को बृहस्पति के पास जाने नहीं दिया पुत्र ही माना यद्यपि बृहस्पति ईर्ष्या करते रहे चंद्रमा से रुष्ट रहे और बुद्ध भी रुष्ट रहे चंद्रमा और बुद्ध के आपस में इतना नहीं पटती चंद्रमा चाहे बुद्ध को कुछ भी दर्जा दे पर बुद्ध के मन में एक असंतोष चलता रहा और उन्हें बृहस्पति का पुत्र न माना जाकर चंद्रमा का ही पुत्र माना गया ये जो इसे टेल फ्रॉम इंडियन माइथोलॉजी इंडियन जो माइथोलॉजी है या पौराणिक जो अवधारणाएं हैं उनको लेके अंग्रेज इतिहासकार बहुत बकवास करने लगे हैं करते हैं। उन्होंने हर भारतीय धारणा को नकारने की चेष्टा की हमारी संस्कृति को नष्ट कर दें इस क्रम में उन्होंने पुराणों को न तो इतिहास माना और न विज्ञान माना जबकि हर पुराण कथा के पीछे एक महान विज्ञान छुपा हुआ है आइए इस कथा का हम एक एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिन हो सकता है उसके बैकग्राउंड पर चर्चा करें क्या हुआ होगा कि चंद्रमा और बुद्ध मिलकर कभी एक बहुत बड़ा ग्रह थे कि किसी एक बड़े अंतरिक्ष के पिंड ने उनको टक्कर मारी वो हो गए दो टुकड़ा अब दोनों टुकड़ों को एक तरफ तो बृहस्पति ने अपनी तरफ अपनी कक्षा में खींचने की कोशिश की और एक टुकड़े को सूर्य ने अपनी कक्षा में खींचने की कोशिश की ऐसा हमेशा होता आया है बृहस्पति ने जाने कितने ग्रहों को कितने अंतरिक्ष पिंडों को कितने धूमकेतुओं को अपने अपने आप में समा लिया है बहुत प्रबल आकर्षण शक्ति है बृहस्पति की सबसे बड़े ग्रह हैं बृहस्पति में एक खड्डा इतना बड़ा है जिसमें पांच पृथ्वी समा जाए एकमात्र ग्रह बचे हैं जो जो सूर्य से जितना प्राप्त करते हैं रोशनी उससे थोड़ा सा अधिक निकालते हैं रेडिएशंस तो दो टुकड़े हो गए उस पिंड के तो चंद्रमा को तो पृथ्वी ने पकड़ के रखा जो बच गया पिंड और बुध को लेके संघर्ष चला होगा चंद्रमा ने भी भूमि का अदा की होगी बुध को बृहस्पति के पाले में जाने नहीं दिया फलत है बुध सूर्य के सबसे नज़दीक की कक्षा में स्थापित हो गए हम जब सूर्य से क्रमवार गणना शुरू करते हैं तो पहले बुध आते हैं फिर शुक्र आते हैं फिर पृथ्वी आती है जिसके चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगा रहे हैं फिर मंगल आते हैं फिर एक एस्टोरॉयड बेल्ट आती है जिसमें सैकड़ों छोटे बड़े पिंड हैं उसके बाद बृहस्पति आते हैं फिर शनि आते हैं इस तरह से हर साल प्लूटोनोपिचुन आते हैं तो हुआ यह है कि चंद्रमा और बुद्ध पहले एक ही थे इसके प्रमाण स्वरूप अब ये विज्ञान भी है और माइथोलॉजी भी है कि चंद्रमा को औषधि माना गया है ज्योतिष में और बुद्ध को डॉक्टर माना गया हम जब डॉक्टरों की भविष्यवाणी करते हैं तो बुद्ध से करते हैं औषधि की भविष्यवाणी करते हैं तो चंद्रमा से करते हैं दोनों के करेक्टरिस्टिक्स में एक बड़ी भारी समानता है इनके गुण बहुत मिलते जुलते हैं दैट इज एन एविडेंस कि दीज टू प्लैनेट्स माइड माइट बी ए पार्ट ऑफ ए सिंगल प्लैनेट विच वॉज ए बिगर देन दीज प्लैनेट्स तो आ, अब पुराण कथा ने जन्म लिया कि चंद्रमा ने बुद्ध को बृहस्पति के पास नहीं जाने दिया उसे अपना पुत्र माना अपना संरक्षण दिया अपने पास ले आए और इधर बुध हैं उधर बृहस्पति हैं और बीच में फंस गए चंद्रमा वो नहीं जाने देंगे बृहस्पति के पास बुद्ध को तो इस तरह से बुध ग्रह का जन्म हुआ इस तरह से चंद्रमा ने भूमिका अदा की मित्रों बड़ी रोचक बात है किसी जन्मपत्रिका में चंद्रमा और बुद्ध एक साथ बैठे हों डॉक्टर बनने की संभावनाएं बहुत अधिक होती हैं किसी जन्म पत्रिका में चंद्रमा और बुध एक दूसरे की राशियों में बैठ जाएं डॉक्टर बनने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है चंद्रमा और बुध एक दूसरे से राशि परिवर्तन कर लें एक दूसरे के नवांश में बैठ जाएं एक दूसरे पर ज्योतिष के दृष्टिकोण से दृष्टिपात करें डॉक्टर बनने की संभावनाएँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और जितनी अच्छी इन दोनों का कॉम्बिनेशन ज्योतिष में हो उतना ही अच्छा वो डॉक्टर बनता है तो ये अद्भुत बात इन ग्रहों के बारे में है मेरा आपसे ये कहना है हर पुराण कथा के पीछे कोई ना कोई महान विज्ञान छुपा हुआ है मैं अंग्रेजों के तमाम दावों को नकारता हूँ कि पुराण इतिहास नहीं है या पुराणों में विज्ञान नहीं है केवल धर्म भी भारतीय जनता को समझाने के उद्देश्य से उन्होंने ऋषियों ने कथाओं के रूप में इन कहानियों को प्रचलित किया है हर भारतीय बुद्धिजीवी नहीं हो सकता हर भारतीय वैज्ञानिक नहीं हो सकता दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को ये विज्ञान या जटिल शास्त्र कैसे परोसे जाएं उन्होंने कथाओं में पिरो के और जनता तक भेज दिया है जो गांव-गांव में ब्राह्मणों के माध्यम से पंडितों के माध्यम से कथाकारों के माध्यम से ये कथाएं कही जाती हैं हम चूँकि अध्येता हैं हम इस रहस्य को जानना चाहते हैं इसलिए चंद्रमा और बुद्ध को लेके जो खगोलीय जो गणनाएं हैं जो एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिन है उसको हमने कथा के माध्यम से समझा और यही हमारा उद्देश्य है सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि चंद्रमा और बुध एक जैसे चरित्र के स्वामी हैं वो मेडिसिन या डॉक्टर से जुड़े हैं और आपके एक बड़े व्यवसाय का निर्णय ये दोनों आपस में मिलकर कर देते हैं